न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर पर एक बार फिर ठप्पा लगा, एक बार फिर मोहर लग गई है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर पर। आपको बता दें कि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार इस खबर को ब्रेक कर रहा था, हालांकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा था, लेकिन अब इस खबर पर मोहर लग गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया। आपको बता दें पार्टी विरोधी गतिविधियों के बाद ये गाज उन पर गिरी है। पार्टी के सभी पदों से उनको पदमुक्त किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस से ये बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने एक पत्र जारी कर बताया है कि किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। ये उत्तराखंड की सियासत में सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से। हालांकि इससे पहले भी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक ये जानकारी लगातार पहुंचा रहा था, लगातार डिबेट्स के जरिए, लगातार कार्यक्रमों के जरिए और लगातार अपनी खबरों के जरिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया ये आपको बता रहा था कि उत्तराखंड कांग्रेस से किशोर उपाध्याय अलग हो सकते हैं। तो ऐसे में खबर पर मुहर लग गई है, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर पर यह मुहर लगी है कि किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस से अलग हो चुका है किशोर उपाध्याय, उनको पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष कौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हम इस खबर को सूत्रों के हवाले से दरअसल दिखा रहे थे और बार बार ये जानकारी दे रहे थे कि किशोर उपाध्याय जो है वो जल्द ही पार्टी से अलविदा होने वाले हैं। खबर पर मुहर लगी है हमारी खबर पर। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पहले दिन से ही ये दिखा रहा था कि किशोर उपाध्याय जल्द ही कांग्रेस को बाय बाय कह सकते हैं और भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी आया था जिसमें किशोर उपाध्याय जो भाजपा के संगठन महामंत्री हैं उनके आवास से निकलते हुए बाहर आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद ही ये भी कहा जा रहा था कि ना केवल आवास पर, उसके बाद जिस होटल को बीजेपी ने कैप्चर किया हुआ है अपना, ये कहा जैसा चुनाव के लिए रखा गया, उस होटल में भी किशोर उपाध्याय की मुलाकात हुई थी। और लगातार हम इस मुद्दे को बड़े स्तर पर दिखा रहे थे, लगातार दिखा रहे थे। वही वीडियो है, वही वीडियो पीछे भी चल रहा है सुभाष जी, इस वीडियो को जरा फुल फ्रेम में लीजिएगा, फुल फ्रेम में रखिएगा इस वीडियो को। जी सुभाष जी, अपनी बात रखिए। किशोर उपाध्याय लगातार ये उम्मीद भी की जा रही थी किशोर उपाध्याय की अपनी सरकार से यानी कि अपनी पार्टी से नाराज किया और कहीं ना कहीं अब वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई कि किशोर उपाध्याय को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? आखिरकार क्या वो वजह रही कि किशोर उपाध्याय को भाजपा में शामिल होने की होड़ की मच गई? लेकिन बड़ी चीज यह है कि आज संगठन यानी कि कांग्रेस की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने एक पत्र जारी किया जिसमें लिखा गया है कि किशोर उपाध्याय को पार्टी में जुड़े तमाम जो भी पद दिए गए थे उन तमाम पदों से मुक्त किया जाता है। हालांकि अभी उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी में उनकी मुलाकात और गलत गतिविधियों के चलते उनको सभी पदों से निकाला जा रहा है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि किशोर उपाध्याय की जो नाराजगी थी संगठन से थी, अपनी कांग्रेस पार्टी से थी, और अब शायद वो जल्द ही बीजेपी में आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इशारा साफ हो चुका है। कांग्रेस ने बिल्कुल साफ इशारा कर दिया है कि किशोर उपाध्याय अब हमारे नहीं रहे। और ये ही बात कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि मुखिया के रूप में कांग्रेस पार्टी में उत्तराखंड में हरीश रावत है, वो भी कहते हुए हमारे इंटरव्यू में नजर आए कि किशोर उपाध्याय और हमारे जो सोच है अब वो मेल नहीं खाती। हालांकि वो हमारे अहम अंग थे, वो मुख्यमंत्री के भी चेहरे होते हैं आने वाले समय में, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है वो हमसे अब नहीं मिलती है। लेकिन आज तरीके से हमारी खबरों पर जो मोहर लगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी माने जाते थे एक वक्त पर, काफी करीबी थे, लेकिन 2014 से 2017 तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लेकिन अब अगर आज की बात करूं, आज के परिप्रेक्ष्य की बात करूं, जो हम बिल्कुल चुनाव के दरवाजों पर खड़े हैं, अगर पार्टी से अलग होते हैं, पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, सारे नाते सब टूट जाते हैं, क्या फर्क देखते हैं आप, क्या फर्क पड़ेगा इससे? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि किशोर उपाध्याय टिहरी के रहने वाले थे और टिहरी से ही तस्वीरें दिखाते रहेगा, तस्वीरें फुल स्क्रीन पर रखेगा, तस्वीरें फुल स्क्रीन। कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे और यही वजह थी कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दरवाजे पर पहुंच रहे थे, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, और आज इस तरीके से कांग्रेस ने उनको सभी पदों से हटा दिया है, तो ये साफ है कि कांग्रेस को भी एहसास हो गया है कि जल्द ही किशोर उपाध्याय जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये जरूर है कि 2 से 3 दिनों के बीच में आखिरकार कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय से मुलाकात करने की कोशिश की, फोन पे बात करने की कोशिश की, आखिरकार किशोर उपाध्याय चाहते क्या थे ये भी अभी साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि अब किशोर उपाध्याय जल्द ही यानी कि कुछ चंद घंटों बाद कहीं ना कहीं भाजपा में आपको शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन
इसका अंदेशा कांग्रेस को भी था और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी कि किशोर उपाध्याय को किसी तरीके से समझाया जाए, किशोर उपाध्याय को सही राह दिखाई जाए, लेकिन लगता है कि किशोर उपाध्याय भाजपा में जाने के लिए पूरी तरीके से उतारू थे और अब क्योंकि पार्टी ने भी उन्हें तमाम सभी पदों से हटा दिया है तो ये साफ है कि किशोर उपाध्याय जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आखिरकार कांग्रेस की सीट, अगर कांग्रेस से वो चुनाव लड़ते टीवी में तो क्या वो नहीं जीत रहे थे इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी, या फिर वो बीजेपी में जाकर उस सीट से जीत पाएंगे इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो टिहरी से विधायक हैं धन सिंह नेगी, वो उनका भी साफ कहना है कि ऐसे नेताओं को भाजपा नहीं लेगी जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो, यानी कि उनके परिवार पे कहीं ना कहीं वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और खास बात यह है कि उनके जो छोटे भाई हैं उनकी जो बहू है उनको लेकर कहीं ना कहीं वो इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं कि ऐसे परिवार को ऐसे लोगों को भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से आज किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटाया तो ये तो साफ हो रहा है कि किशोर उपाध्याय अब कांग्रेस में कुछ दिनों के मेहमान है और जल्द ही वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि किशोर उपाध्याय भाजपा में जाने से पहले आम आदमी पार्टी के दरवाजे पर भी पहुंचे थे, लेकिन लगता है कि आम आदमी पार्टी में जो चाहते थे वो चीजें नहीं हुई इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन थामने की सोची और भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हुए हमें नजर भी आए, जिसकी वीडियो एक्सक्लूसिव न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने सबसे पहले आपको दिखाई। पट्टी लगा के हम चला भी रहे हैं, इसको लगातार चला रहे हैं। सुभाष जी, ये और जानना चाहूंगा कि ये सबको पता है कि हरीश रावत जी के साथ इनका सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं था, नाखुश थे काफी चीजों से, लेकिन वो कौन सा मौका था जिससे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इनको हिट हुआ और तभी से ये स्पष्ट हो गया था कि अब किशोर उपाध्याय जी पार्टी में नहीं रहने वाले? बिल्कुल, ये उम्मीद की जा रही थी कि आखिरकार क्या वजह है कि किशोर उपाध्याय कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, कांग्रेस में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, कांग्रेस के बड़े चेहरों में किशोर उपाध्याय को गिना जाता है, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि किशोर उपाध्याय को दूसरी पार्टियों के दरवाजे खटखटाने पड़े, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर अब भाजपा हो। तो आखिरकार क्या वजह रही कि किशोर उपाध्याय को इन दरवाजों पर जाना पड़ा? उसकी मुख्य वजह यह भी मानी जा रही है कि किशोर उपाध्याय को लग रहा था कि वो टिहरी से चुनाव नहीं जीत पाएंगे कांग्रेस के टिकट पे, इस वजह से भी वो कांग्रेस को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसको लेकर भी हाईकमान ने उनसे बात करने की कोशिश जरूर की होगी, उनको रोकने की कोशिश की जरूर की होगी, क्योंकि किशोर उपाध्याय ऐसे नेता है जो कि सीधा राहुल गांधी से बात करते थे, सीधा सोनिया गांधी से बात करते थे, सीधा प्रियंका गांधी से बात करते थे, उनके गांधी परिवार में बहुत अधिक और अच्छे संपर्क हुआ करते थे। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि वो भाजपा के बड़े नेताओं के दरवाजे पे पहुंचने लगे, भाजपा के बड़े संगठन के नेताओं से मुलाकात करने को कई बार उनके घर में देखने को मिले? तो ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं अब किशोर उपाध्याय चंद घंटों चंद मिनटों के लिए कांग्रेस के सिपाही हैं, जल्द ही वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है कि आखिरकार वो क्या वजह रही कि कांग्रेस को छोड़ने के लिए किशोर उपाध्याय को ये कदम उठाना पड़ा कि वो कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते थे, उनको भाजपा का दामन पसंद आ रहा था। जी बिल्कुल, जैसा कि हम लेटर में देख पा रहे हैं इसमें ये बताया गया है कि जैसा आप भी बता रहे हैं कि पोजीशन से हटाया गया, पार्टी में जो पोजीशन होती है, जो पद होते हैं, उन पदों से हटाया गया है, लेकिन मेंबरशिप से नहीं हटाया गया, मेंबर है अभी भी। तो क्या लगता है, हटने ही वाले हैं? बिल्कुल कावेंद्र, मैंने पहले ही कहा कि उनको सभी पदों से हटाया गया, अभी तक वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी से नहीं हटाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के समय में इतने बड़े नेता को, इतने बड़े चेहरे को, जो कि एक बड़ा चेहरा है उत्तराखंड में कांग्रेस का, उसको सभी पदों से हटाने का कारण भी यही माना जा सकता है कि ये तो साफ है कि हाईकमान समझ चुका है कि किशोर उपाध्याय अब उनके नहीं रहे, वो भाजपा ही हो चुके हैं और वो जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि उनको केवल अभी पदों से हटाया गया है, पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है। लेकिन ये भी साफ है कि किशोर उपाध्याय इससे काफी खफा होंगे और जल्द ही वो कहीं ना कहीं भाजपा का दामन सुभाष जी एक और चीज होती है नजर आ सकते हैं। एक और चीज होती है सुभाष जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बड़े नेता है और उत्तराखंड की सियासत के बड़े चेहरे हैं, तो ऐसे में जब बड़े नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, लगेज भी साथ लेकर जाते हैं, काफी अन्य नेता भी उनके साथ जाते हैं। तो क्या लगता है कि अब इनकी देखा देखी इनके पीछे और भी कई नेता हैं जो ऐसे निकल कर जा सकते हैं? बिल्कुल कावेंद्र, टिकट का इंतजार सभी नेता कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल साफ बात है कि उत्तराखंड में जब भी टिकट बंटवारे होते हैं और जैसे ही पार्टी के जो टिकट है वो घोषित होते हैं, उसके बाद जो नाराज सदस्य है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को चुनने की कोशिश करते हैं, दूसरे
पार्टियों से संपर्क साधते हैं ताकि उनको उन पार्टियों से टिकट मिल सके। लेकिन क्योंकि अभी इंतजार करना होगा कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों, ये केवल कांग्रेस के लिए नहीं है बल्कि भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो भी इंतजार करते हैं कि उनकी विधानसभा से किसको टिकट मिलता है। यदि कद्दावर नेता है, अच्छी क्षमता रखते हैं, अच्छे नेता है, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी बड़ी होती है, या तो उनको हाईकमान संभालता है, समझाता है और कहता है कि आने वाले समय में आपको बेहतर पोजिशन दी जाएगी, या फिर वो बागी हो जाते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, या फिर किसी अन्य दल में जाकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वो उतर जाते हैं। इंतजार करना होगा कि जैसे ही भाजपा कांग्रेस के टिकट जारी होते हैं उसके बाद बगावत के सुर कितने उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, चाहे वो भाजपा के हों या फिर कांग्रेस के। बिल्कुल, और सुभाष जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरीज जो आप जनता तक लगातार पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं एक्सक्लूसिव स्टोरीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुभाष गौड़ जो हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े थे, हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से, इनकी एक्सक्लूसिव स्टोरी जो आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं, बीजेपी से मुलाकात की ये कहानी बयां करती, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, एक्सक्लूसिव न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने दिखाई थी। और इसी के साथ ये साफ हो गया था कि आज नहीं तो कल, सुबह नहीं तो शाम, किसी भी वक्त किशोर उपाध्याय अब कांग्रेस का दामन छोड़कर अब बीजेपी का दामन पकड़ सकते हैं। हालांकि और पार्टियों में भी बात करने की उनकी कोशिश चल रही होगी, लेकिन शायद बीजेपी से बात बनती हुई नजर आ रही है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है और ऐसा न्यूज वर्ल्ड इंडिया की एक्सक्लूसिव स्टोरी कवर कर रहे सुभाष गौड़ जी का भी कहना है।